जिससे सनसनी फैल गई है। कोसमंदी गातापार मार्ग पर 20 से ज्यादा मृत गौवंश मिले हैं। पलारी थाना क्षेत्र के गातापार में गौवंश मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति, और ये बड़ी संख्या में गौवंश कैसे यहाँ पर मिले हैं, जो शव है वो बरामद किए गए हैं। 20 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है गौवंश की, और अब हड़कंप की स्थिति बन गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदा बाजार से, जहां पर सड़क पर बड़ी संख्या में गौवंश मिलने के बाद अब पूरे मामले की गहनता से जांच की बात। कोसमंदी गातापार मार्ग पर 20 से ज्यादा मृत गौवंश मिले हैं। मृत अवस्था में गौवंश पाए गए हैं। पलारी थाना क्षेत्र के गातापार में गौवंश मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति, और अब जानकारी ये जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये गौवंश के शव यहाँ पर आए कैसे। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। अब गौवंश के जो शव हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं। अब इनकी जांच भी होगी कि आखिरकार एक साथ 20 से ज्यादा मृत गौवंश यहां पर कैसे पहुंचे। तो ये पूरा घटनाक्रम बलौदा बाजार का सामने आ रहा है, जहां पलारी थाना क्षेत्र के गातापार में एक गौवंश मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और आपको मालूम है कि गौवंश एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और उसके बाद इस तरीके से शव मिलना, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, जानकारी मिल पाई है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गौवंश के शव बरामद किए जा रहे हैं, आखिरकार ये मृत गौवंश कैसे यहां पर पहुंचे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है इनसे संबंधित? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मृत गौवंश कैसे यहाँ पर पहुंचे। कारण ये है कि गातापार है, पलारी से कुछ ही दूरी पर लगा हुआ है, वहाँ पर सड़क मार्ग पर 20 से अधिक गौवंश वहाँ पर मृत अवस्था में मिले हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तहसीलदार और पूरी प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी है कि आखिर इतनी कायराना हरकत किसने की है, जो मृत गाय वहाँ पर फेंक दिया गया है। साथ ही साथ 15 दिन पहले ही बलौदा बाजार में एक मामला आया था, जहाँ पर कांजी हाउस में गाय की मौत हुई थी। उसके बाद आज फिर देखने को मिला कि बलौदा बाजार जिले के गातापार के आसपास सड़क किनारे यहां पर 22 जो गौवंश है उनको मृत अवस्था में फेंक दिया गया है। हालांकि प्रशासन की पूरी टीम में वो जुटी हुई है कि आखिर ये हरकत किसने की है, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में जो गाय है वो कैसे यहाँ पर फेंकेगी। आस पास एक गोठान है और आस पास के गाँव है, यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है, लिहाजा कुछ देर बाद पता चल पाएगा। प्रशासन की टीम इसमें जुटी हुई है कि आखिर ये हरकत किसने की जो 22 से अधिक जो गौवंश है उसको यहाँ पर मृत अवस्था में फेंक दिया गया है। बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पास में ही कोई गौठान है, क्या वहां से कोई तार जुड़े होने की आशंका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गौठानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। ग्राम पंचायत के भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों ही प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी, जिसमें गांव के दो जो गौपालक उस पर कार्रवाई हुई थी। लिहाजा प्रशासन की टीम लगी हुई है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में जो गाय है वो कहाँ से कहाँ तक आई थी, जिसके बाद ये जो है वीडियो और फोटो है वायरल हुई थी गाँव जो मृत पाए गए। जी बिल्कुल, और कई बार ये भी देखा जाता है कि चाहे वो कांजी हाउस हो, चाहे गौठान हो, या गायों को रखने के जो दावे किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो इनका संचालन करते हैं उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, और इस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते हैं गौवंश के। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी। और अब बात बैतूल में हुई जोरदार बारिश के बाद ताप्ती नदी पर बना पारसडोह डैम पूरी तरीके से भर चुका है, जिसके बाद वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। 3 गेट 1.5 मीटर तक खोल दिए गए हैं। गेट खोले जाने के बाद डैम का नजारा खूबसूरत नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मुलताई क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसे देखते हुए डैम के गेट खोल दिए गए हैं। दूसरी तरफ निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीजन में पहली बार पारसडोह डैम के गेट खोले गए हैं। संवाददाता ऋषु नायडू जुड़ गए। ऋषु, अब ये पहली बार गेट खोले गए हैं, 3 गेट खोल दिए गए हैं, और डैम का जो जलस्तर है वो पूरा भर चुका है? जी हाँ, देखिए जो ताप्ती नदी है, लगातार मुलताई क्षेत्र में जब तेज बारिश होती है तो ताप्ती नदी का जल स्तर काफी ऊपर रहता है, और ताप्ती नदी पर ही पारसडोह डैम बना हुआ है। इस डैम का जो जल स्तर है उसको मेंटेन करने के लिए इस सीजन में पहली बार 3 गेट खोले गए हैं। अब तक भारी बारिश के बाद भी 1 या 2 तक गेट खोले गए थे, लेकिन ये पहली बार 3 गेट खोलकर लगभग 526 क्यूसेक प्रति सेकंड के दर से पानी छोड़ा जा रहा है डैम से, और डैम से पानी छोड़ने की वजह से न सिर्फ एक विहंगम दृश्य वहां पर देखने को मिल रहा है, बल्कि इसके थोड़े से खतरे भी होते हैं, क्योंकि निचले इलाकों में कई पुल पुलिये और रपटे
जो है इतनी भारी मात्रा में पानी छोड़ने से डूब जाते हैं। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है, ताप्ती नदी के जितने तट हैं वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग किसी भी तरह से कोई रिस्क ना लें, रपटों को, बाढ़ग्रस्त रपटों को पार करने की कोशिश ना करें और तटों, नदी के तटों से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें क्योंकि पानी का वेग भी इस समय काफी ज्यादा है। फिलहाल जो है कल रात से बारिश थोड़ी धीमी पड़ी है बैतूल में, लेकिन ताप्ती नदी में सहायक नदियों का भी पानी आने से नदी का जलस्तर बना हुआ है और डैम खोलकर इसलिए जो है डैम का जो लेवल है उसको मेंटेन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ऋषु तमाम जानकारी के लिए। तो डैम का जो लेवल है वो मेंटेन किए जाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके चलते 3 गेट खोल दिए गए हैं और लगातार ऐसी प्रक्रिया डैम की होती है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है उसके बाद जल स्तर बराबर करने के लिए गेट खोले जाते हैं। सिंगरौली जिले में कोल माइंस के ईस्ट बाउंड्री को पार करते हुए कार पानी में बह गई। कार चालक ने समय रहते कार से निकलकर अपनी जान बचा ली। पानी के तेज धार में बही कार दुधी चुआ कोल माइंस के मैनेजर की बताई जा रही है, जो कि बाउंड्री को पार करते हुए खड़िया बॉर्डर के नीचे बह गए। कार के पानी में बहने का वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि सिंगरौली जिले में लगातार जारी बारिश की वजह से सभी नदी नाले उफान पर हैं और जिले में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो ये देखिए किस तरीके से खिलौने की तरह पानी की तेज धार में कार बह गई और ये छोटी कार नहीं बल्कि एक बड़ी कार है। हालांकि जानकारी है कि इसमें जो सवार थे उन्होंने तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। किस तरीके से एक ही पल में रोड के बाहर, और आप देखिए कि ऑलरेडी एक वाहन डूबा हुआ है और ऐसा मंजर, मानी की तबाही आई है और एक कार खिलौने की तरह पानी में समा गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, माइंस के पास ऐसा लग रहा है मानिए कि तबाही आ गई हो, पूरे बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जब मालूम है कि खतरे की घंटी यहां पर है तो वहां गई ही क्यों कार लेकर? बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ बरसात हो रही है, बरसात के बाद से जो ओपन खुली कोल माइंस है, समझा जा सकता है कि जो सिंगरौली जिले की दूधी चुआ कोल माइंस का पूरा मामला है, जो कोल माइंस पूरी तरीके से ओपन है और ओपन कोल माइंस में तमाम जो है तो बरसात की वजह से पानी भर गए हैं, गड्ढे जो है तो गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। ऐसे में समझा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से यहाँ टल गया है क्योंकि चालक जो था तो जो लोड वाहन में ही था और जैसे ही पानी का जो तेज बहाव आया, तेज बहाव के चलते मिट्टी के अंदर जो फिसलन है वो भी हो रही थी। यही कारण है कि जो चालक है तो चालक वाहन को छोड़कर जान बचाते वहां से भाग गया है, जिसके ठीक बाद है जो ब्लोरो है एक बाउंड्री को पार करते हुए नीचे खाई में जा समा गई है। हालांकि ब्लोरो वाहन को अब बाहर निकाल लिया गया है रेणु, लेकिन वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। और दूसरी चीज और रेणु की, चूंकि कोल माइंस में जिस तरीके से ओपन कास्ट जो है तो यहाँ किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सावधानी और जो व्यवस्था और जो बड़े पैमाने पे एक सुरक्षात्मक प्रबंध होना चाहिए वो नहीं रहा। यही कारण है कि वहाँ ब्लोरो वाहन जो है वो बच गई है और बड़ा हादसा होने से चल गया रेलो। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरीश। और इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही, लेकिन जिस तरीके से जान हथेली पर रखकर ये लोग जोखिम भरे रास्तों में जाते हैं, वहां पर जाना बिल्कुल मना है, फिर भी लोग इससे बाज नहीं आते। खबर छतरपुर से, जहां पर कुएं में गिरी मां बेटी की मौत हो गई है। खेलते समय कुएं में गिरी थी मासूम बच्ची और बेटी को बचाने के लिए मां ने कुएं में छलांग लगा दी, दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शवों को बाहर निकाला, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। बमीठा थाना क्षेत्र के झमटुली गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है छतरपुर से, जहां कुएं में गिरी मां बेटी की मौत हो गई। खेलते समय कुएं में गिरी थी मासूम बच्ची, बेटी को बचाने के लिए मां ने कुएं में छलांग लगा दी, दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर, पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर। बमीठा थाना क्षेत्र के झमटुली गांव की यह घटना बताई गई।
और संवाददाता नरेंद्र परमार जुड़ गए। नरेंद्र, वाकई में बहुत ही दुखद ये पूरा हादसा सामने आ रहा है, जहां बेटी को बचाने के चक्कर में मां ने भी छलांग लगा दी कुएं में। कैसे ये हादसा हुआ? देखिए रेनू, बिल्कुल जिस तरह से जो घटना सामने आई है, उसमें कहीं ना कहीं मां की जो ममता है, उसकी जो दर्दनाक जो हादसा हुआ है, उसकी मां की ममता का बिल्कुल घटना सामने आई है। मां की ममता भरी घटना है, जिसमें एक जो मासूम बच्ची है कुआ के पास खेल रही थी और वह अचानक कुएं में गिर जाती है और बेटी को अपने जिगर के टुकड़े को जैसे ही कुएं में गिरता मां देखती है, तो मां ही तत्काल कुएं में बचाने के लिए, बेटी को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा लेती है। लेकिन वहां आसपास कोई और नहीं रहता है, मां तैर के भी नहीं जानती है, तो ऐसे में इस घटना में मां और जो बेटी है दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। मौत के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है, चूंकि यहां पर पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है और शव को निकालने की कोशिश की जा रही है और तहसीलदार भी मौके पर हैं और घटना के जो कारण हैं उन कारणों की जांच की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसमें यही सामने निकल के आया कि मां की ममता भरी जो ये घटना है, कहीं ना कहीं मां की ममता इतनी बेटी के लिए ऐसी आई कि वो कुएं में जाके छलांग लगाई और खुद की भी जान गई और बेटी की भी जान चली गई है जी। और ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आज भी नरेंद्र देखा जाता है कि कुएं की जो बाउंड्री होती है वो ऊपर नहीं होती है, किसी तरीके की कोई रेलिंग नहीं होती और ये बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट।